जिन्होंने ऐसे यंत्र बनाए जिन यंत्र के नीचे से हिंदू निकलता तो ऑटोमेटिक मुसलमान बन जाता। फिर उन्होंने ऐसे यंत्रों की रचना की जिन यंत्रों के नीचे से मुसलमान निकले तो हिंदू बन जाए, और जो हिंदू मुसलमान बन गए थे वे पुनः जो है हिंदू बन जाए। आचार्य ये हमारे संप्रदायाचार्य हैं, आपका पसंद हाँ, रामानंद संप्रदाय जो से है। रामानंद रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो ही दले, रामानंद स्वामी स्वयं राम जी ही अवतरित हुए हैं। एकमात्र उत्तर भारत में आचार्य अवतरण लेने वाले एकमात्र जो है रामानंद स्वामी जी हैं। अन्य जितने भी आचार्य आए हैं वो सब दक्षिण भारत से आए हैं, चाहे रामानुजाचार्य हों, चाहे शंकराचार्य हों, आदि आदि जितने भी उत्तर भारत में एकमात्र जो है रामानंदाचार्य जी महाराज का अवतरण प्रयागराज की धरा पर संगम तट पर जो है उनका अवतरण हुआ। और उस समय मुगल कालीन समय था, तो आज के समय में तो धर्म परिवर्तन हो तो रहा है लेकिन कम। उस समय धर्म परिवर्तन इतनी तादाद में होता था कि मुस्लिमों के कुछ फकीर ऐसे जिन्होंने ऐसे यंत्र बनाए जिन यंत्र के नीचे से हिंदू निकलता तो ऑटोमेटिक मुसलमान बन जाता। तो और वे यंत्र उन्होंने हमारी जो सप्तपुरिया हैं, हमारी जो धर्म की नगरी हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तता मोक्षदायका, क्योंकि इन नगरियों में ही अधिक हिंदू है और पूरे देश का हिंदू, पूरे विश्व का हिंदू इन नगरियों में जाता है। वहाँ पर उन्होंने फिट कर दिए, उनके नीचे से हिंदू निकलता था तो ऑटोमेटिक मुसलमान बन जाता था, ऐसा धर्म परिवर्तन हुआ। वैचारिक रूप से मतलब हाँ, फिर उसके बाद में उसी समय रामानंद स्वामी जी का जब अवतरण हुआ तो 8 वर्ष की अवस्था में वेद वेदांत की शिक्षा पा करके प्राप्त करके फिर उन्होंने पूरे भारत के विद्वानों को पराजित किया शास्त्रार्थ में। पराजित करने के उपरांत फिर उन्होंने ऐसे यंत्रों की रचना की जिन यंत्रों के नीचे से मुसलमान निकले तो हिंदू बन जाए, और जो हिंदू मुसलमान बन गए थे वे पुनः जो है हिंदू बन जाए। और वे अपने यंत्र, आचार्य कोई भी हो, प्रायः आचार्य जो है कुछ न कुछ उनमें जो है तंत्र का सहारा होता है, तंत्र का सहारा जो है लेकर के वो अवतरित होते हैं। तो तंत्र के द्वारा उन्होंने जो यंत्र बनाए तो उनके यंत्रों के ऊपर अपने यंत्र फिट कर दिए, तो जो हिंदू मुसलमान बन गए थे वे पुनः हिंदू बन गए, और जो मुसलमान निकलते थे वो हिंदू बन जाते थे। ऐसे विलक्षण जो है प्रतिभा संपन्न हमारे जो आचार्य स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, उन्हीं की ये परंपरा है। उन्हीं की परंपरा के अंतर्गत हमारे श्री दुर्वासा जी महाराज, जिनका नाम साधु समाज में परम पूज्य अनंत श्री विभूषित भगवत दास जी महाराज है। दुर्वासा जी एक उपाधि थी,